शीट नंबर 93 जो शायद आज मिली होगी आपको। ओके, एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस के अंदर अब मैं, अभी तक मैंने थ्योरी में करवाया जो करवाया, अब मैथमेटिकल है। एलसी ऑसिलेशंस में ये एल है और ये सी है। आपने कैपेसिटर को चार्ज दे दिया, कैपेसिटर में वोल्टेज कितनी डेवलप हो गई, क्यू बाई सी। इंडक्टर में कितनी होगी जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, और किरचॉफ लॉ से टोटल ईएमएफ का सम मस्ट बी इक्वल टू जीरो। जीरो कर दिया, इसे राइट साइड पे ले गए, डी आई बाई डी टी के अंदर चार्ज कैपेसिटर का क्या हो रहा है, डिक्रीज। करंट को क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी विद नेगेटिव साइन, क्योंकि जब करंट, जब चार्ज इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है, जब खाली होता है, खाली के लिए साइन माइनस। इस आई की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, ये रहा माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, डी आई बाई डी टी की वैल्यू आ गई। इस डी आई बाई डी टी को यहां पुट करते हैं तो क्यू बाई सी इज इक्वल टू एल इन टू, इस डी बाई डी आई बाई डी टी की जगह पुट करते हैं माइनस डी क्यू डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। ये देखो ये टर्म आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गई। अब ये आपको टर्म देखने में ऐसी लगेगी जैसे प्लस वन के अंदर एस एच एम के अंदर एस एच एम की इक्वेशन होती थी, एक्सेलेरेशन को क्या लिखते थे, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स विद नेगेटिव साइन। तो हम क्या बोलते थे, एक्स डिस्प्लेसमेंट एस एच एम में है। बिल्कुल वैसी देखो, एक्स की जगह क्या लगा लिया, क्यू क्यू, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्यू विद नेगेटिव साइन। तो कंपेयर करके ये क्या बन जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर, और यानी कि इसमें चार्ज किसमें मूव कर रहा है, इन एस एच एम। तो इस टॉपिक का नाम ऑसिलेशंस क्यों आया, ऑसिलेशन इसलिए क्योंकि इसमें चार्ज क्या कर रहा है, ऑसिलेट, तो चार्ज एस एच एम में है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मानी जाती है एस एच एम की, तो इसमें ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा आ गया, और ओमेगा इज वन बाय अंडर रूट ऑफ एल सी, ओमेगा इज वन बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। ओमेगा क्या होता है, टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, वन बाय टू पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। तो जो मैंने बुकलेट में सीधा रिजल्ट लिखवाया था वो इसने प्रूव करके दिखा दिया कि ऐसे कुछ आता है। हालांकि इस शीट के आने की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है, आज तक तो आई नहीं, पर एनसीईआरटी में मेंशन है इसके बारे में, इसलिए मैंने करवा दिया आपको। ठीक, आने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है इसमें। मैथ्स में या तो कैलकुलस में आपको करवाएंगे सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, मेडिकल में नहीं, कुछ नहीं, और रिलैक्स करें मेडिकल वाले, कुछ नहीं करना आपको। डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के चार्ज का सोल्यूशन निकाल लें। तो चार्ज का सोल्यूशन इसमें ये निकलेगा, वो मैथ्स गायब कर दिया बीच में से जो लगा, और सीधा इसका रिजल्ट बता दिया कि क्यों ये आता है। चार्ज कॉस में भी आ सकता है, साइन में भी आ सकता है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर फुल था तो क्यू नॉट से स्टार्ट हुए थे हम, मैक्सिमम चार्ज हमने दिया था बैटरी का, टाइम टी इक्वल टू जीरो, तो कॉस फंक्शन आएगा। अदरवाइज खाली होगा तो साइन भी आ सकता है कि पहले आपने एनर्जी इंडक्टर को दे दी थी, कुछ भी, मतलब कॉस या साइन फंक्शन, एस एच एम में कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब जस्ट वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इसमें आएगा तो कुछ नहीं। और ये जो अगली शीट है ये भी आपकी नॉलेज के लिए, और शायद ऑब्जेक्टिव में अगर कोई काम आ जाए तो आ जाए, एनसीईआरटी में तो नहीं आती। हमने डायग्राम से एलसी ऑसिलेशन को कंपेयर किया था विद स्प्रिंग मास सिस्टम, वो मैथमेटिकली कर रहा है। हमने जो डिस्प्लेसमेंट काम करता है स्प्रिंग मास सिस्टम में, चार्ज करेगा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में चार्ज कर रहा था, वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी, एक्स की जगह चार्ज पुट किया तो वेलोसिटी की जगह करंट आ गया। ये एस एच एम की इक्वेशन थी, एस एच एम की इक्वेशन है, उसमें स्प्रिंग मास सिस्टम में ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के बाई एम, इसमें अंडर रूट ऑफ एल सी। एस एच एम की इक्वेशन ये थी, चार्ज की इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, साइन या कॉस।
वेलोसिटी का फॉर्मूला था ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह चार्ज पुट करोगे तो वी की जगह आई, एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम चार्ज, एक्स का मतलब चार्ज, एक्सेलेरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह चार्ज और एक्सेलेरेशन डी आई बाई डी टी, क्योंकि आई का मतलब वहां पर वी है, डी वी बाई डी टी ए है, डी आई बाई डी टी ऐसे लिख दो। काइनेटिक एनर्जी जो काम करती है स्प्रिंग मास सिस्टम में, मैग्नेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो काम करती है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वो मैंने बताया था आपको जस्ट फॉर नॉलेज के लिए, कोई ऑब्जेक्टिव में काम आ जाए तो ठीक है, नहीं तो वैसे ठीक है, बस बता रहा है कि कैसे मैथमेटिकली मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है यहाँ तक। तो ये एक टॉपिक है। नेक्स्ट जो है